हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं माय लिटिल गार्डन। काफ़ी दिनों के बाद मेरा आना हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स मेरे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आए थे और काफ़ी दिनों के बाद जब ये वीडियो बना रही हूं तो मुझे लगा आप सभी से ये शाइनी सा गार्डन शेयर कर लूं, क्योंकि देखिए कल ही बहुत अच्छी बारिश हुई और बारिश के बाद जब जो धूप निकलती है तो रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें बहुत अलग सी शाइन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी की गार्डनिंग कैसे चल रही है। काफ़ी दिनों से मैंने कोई अपडेट भी नहीं दिया है, ना कोई वीडियो शेयर किया है आपसे। तो जल्दी ही मेरी कल या परसों मैं सीडलिंग की वीडियो आप सभी से शेयर कर रही हूँ, जो आप सभी विंटर सीडलिंग के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही इस पर मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप सभी से। देखिए, ये फाउंटेन बहुत दिनों के बाद मैंने ऑन किया है और ऑन मैं तभी करती हूँ जब मैं खुद यहाँ पर टेरेस पर खड़ी रहती हूँ, यानी कि इस टेरेस को जब छोड़कर फाउंटेन को छोड़कर नीचे नहीं जाती हूँ, क्योंकि लाडो और टॉबी बहुत शरारत करते हैं, आप सभी को मालूम ही है। और फ्रेंड्स, अभी तो मेरे गार्डन में जो फूल खिल रहे हैं उनमें ज़्यादातर पर्सलेन है और पॉर्चुला का है, और मेरे पॉर्चुला का कई सारे ख़राब भी हुए हैं जो प्लास्टिक पॉट में थे, क्योंकि बारिश के बाद में दोस्तों हम उनमें प्रॉपर गुड़ाई नहीं करते हैं तो काई की एक लेयर सी जम जाती है, जिससे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे प्लांट्स में, हमारे पॉट में। तो हमें इसमें फॉर्किंग करनी चाहिए, यानी कि गुड़ाई करते ही रहनी चाहिए। देखिए, ये है मोस रोज़, बहुत प्यारे खिल रहे हैं, धूप के पड़ते ही बहुत अच्छे ये ब्लूम करने लग जाते हैं। और जो इस तरह से हैंगिंग बास्केट में होते हैं उनमें पानी जमा रहने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो ये बहुत अच्छे फूल चलते हैं। इनको पानी ही बड़ा कम चाहिए होता है। और भी आगे मेरे बहुत सारे अच्छे मोस रोज खिले हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, वैसे ये मैं एक छोटा सा अपडेट ही लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आपसे शेयर नहीं किया था। तो मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत जल्द मेरा ये पूरा गार्डन चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं जो टेरेस में लगने वाली जो टाइल्स होती हैं वो टाइल लगाना चाहती हूँ। जब हमने ये सोचा था तो ऐसा सोचते सोचते लेट हो गया, और तब तक मैंने काफ़ी सारे पॉट और काफ़ी सारी डिज़ाइन मैंने यहाँ पर कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों ये बस सोच ही बनकर रह गया, लेकिन दोस्तों ये करना हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्द दोस्तों, जैसे ही ये बारिशों का मौसम ख़त्म होगा, तब मैं यहाँ पर टाइल्स लगवाने वाली हूँ, उसका अपडेट आपसे शेयर करती रहूँगी। बोगनविलिया का प्लांट है ये, इस तरह से बहुत बड़े बड़े गुच्छे फूल आते हैं इसमें। और देखिए, ये मॉर्निंग ग्लोरी को आप सभी ने बहुत पसंद किया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये देखिए, अभी भी बहुत सारे खिल रहे हैं। तो आप इसके बीज दोस्तों अब अगले साल ही लगाइएगा। आपको अमेज़न पर इसके बीज किसी भी टाइम मिल सकते हैं, या फिर ugao.com पे आप ये सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बीज की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। और ये है कॉक्सकॉम दोस्तों, ये परमानेंट प्लांट होता है, 12 महीने ये हमारे गार्डन में रहता है, सर्दी हो चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। तो अब आप भी इसे फरवरी या फिर मार्च में ग्रो करिएगा, क्योंकि अब आगे विंटर्स है, विंटर्स के फ्लावर्स पर हम अपना पूरा फोकस करेंगे। देखिए, ये छोटे छोटे जो मेरे प्लांटर थे जो मिट्टी के हैं, 4 इंच के पॉट हैं, इसमें जो सभी फूल थे वो सभी बहुत अच्छे हैं अभी भी। और मैंने अपने बर्ड प्लांटर को अब जाकर पेंट किया है, अब बस इसकी ये देखिए ये चोंच जो है बिक, अब बस यही रहती है बाकी। तो बारिश में कोई भरोसा नहीं रहता है कब किस टाइम बारिश आ जाए, कभी बादल रहती है। कल ही शाम को यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और देखिए, ये मोस रोज़ बहुत प्यारा, पूरा ये मेरा ये प्लांटर जो है ये पूरा भर जाता है। हाइब्रिड है दोस्तों ये, और 11-12 जब एक का टाइम होता है तब ये और अच्छे से बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है। तो ऐसे प्लांट्स को दोस्तों पानी बहुत कम चाहिए होता है। अगर प्लांट गल रहा है तो थोड़ी छोटी छोटी कटिंग लेकर किसी और पॉट में आप लगा लीजिए। ये इतने रफ टफ प्लांट होते हैं दोस्तों, ये ख़त्म नहीं होते हैं जल्दी से। बाकी जो मेरे परमानेंट कोई भी प्लांट है दोस्तों, उनमें फूल आ रहे हैं, इतना कोई ज़्यादा फूल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं।
यहाँ से एक झलक आपको जो मेरे वॉल पे मैंने प्लांटर्स रखे हुए हैं, और ये मनी प्लांट का बेल है, देखिए नीचे को आ गया है, बहुत लंबी हो गई है। मनी प्लांट भी दोस्तों बहुत अच्छा टाइम है ग्रो करने का, आप ग्रो करें। सर्दियों में देखिए दोस्तों फिर सभी लीव्स गिर जाएंगे उसके। और देखिए ये दो मैं आपको वाइन दिखा रही हूँ, ये जो ऊपर जाली पर चढ़े हैं, जो सबसे लास्ट पीछे वाला है ये कृष्ण कमल का है, और ये है मेरा एलामेंडा। दोस्तों ये मेरा जो एलामेंडा है ये कम से कम 3-4 साल पुराना है और इसी पॉट में लगा है, और जब फूलों का मौसम आता है इसी तरह फूल देता है। इस मॉस रोज में थोड़ी सी और बातें मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये जो प्लांट होता है ये परमानेंट होता है, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है हम इसे रखें या ना रखें, पर जब आगे सर्दियों वाले बहुत सारे फूल आते हैं तो हम इसे निकाल कर फेंक देते हैं, तब तो हमें पॉट की कमी हो जाती है। तो फिर भी दोस्तों जब भी जिस भी टाइम आप इसको लगाना चाहें, इसका जो सही टाइम होता है वो गर्मियों का टाइम होता है, तो आप अगर चाहें तो इसे हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। ये प्लांट 12 महीने रहता है। ये देखिए ये ज़रा सी अलग वेराइटी का होता है, जो इसकी जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है, बिल्कुल रेड कलर की होती है और बिल्कुल खड़ी खड़ी सी रहती है, ज़्यादा गुच्छे नहीं बनते हैं इनके। तो कई सारी वेराइटीज़ आते हैं फ्रेंड्स, जैसा अच्छा लगे वैसा रखें, ना मिले तो कहीं से ले आएँ, किसी से मांग लीजिए। और ये चांदनी प्लांट है जो बड़े से लंबे वाले प्लांटर में लगाया हुआ है मैंने, और बाकी ये सभी प्लांट्स आपने देखा ही है, मैंने वीडियो भी आपसे शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर सर्च करें मेरे चैनल पर, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और देखिए यहाँ पर ये अगेव का प्लांट है, ये बहुत प्यारा है, साथ में एलोवेरा। ये प्लांट मुझे दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं, बस ये एक ही ऐसा प्लांट है जिसके पास जेनी और लाडो, टॉबी और लाडो नहीं आते हैं, क्योंकि इसको इनको सुइयां जो चुभ जाती है यहाँ से। ये देखिए रेन लिली का प्लांट है, रेन लिली में भी इस टाइम बहुत अच्छे फूल, बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। और ये ड्रेसीना और ये हिबिस्कस, हिबिस्कस में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। और ये है मेरा एक एलामेंडा वाइन जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने कट कर लिया था, देखिए कितनी जल्दी यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अपने प्लांट्स को कटिंग करें जो ख़राब हो रही है जहाँ से, या फिर बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो बस बरसात का टाइम बस बहुत थोड़ा सा अब रह गया है। और ये है बेबी सनरोज का प्लांट, जब इनमें फूल नहीं होते हैं तब भी ये प्लांट हमारे गार्डन को हमेशा खूबसूरत बनाकर रखता है। अगर आपको ये प्लांट नहीं मिल रहा है दोस्तों, आप नर्सरी लाइव पर ज़रा इसे सर्च करें, और हमेशा जब भी नर्सरी जाएं तो नर्सरी में इस प्लांट की डिमांड करते रहिए, वो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा आपको। और फूल ना आ रहा हो तो कम से कम 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम जितना आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद मिलाकर आप दे दीजिए। अभी इनमें दोबारा से फूल आ रहे हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये बहुत सुंदर फूल देते ही रहेंगे हमें। और यहाँ से भी एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ आपको, बहुत सारे टिकोमा के फ्लावर्स खिले हैं दोस्तों देखिए। और ये है एक मेरा हिबिस्कस, हिबिस्कस में काफ़ी दिनों के बाद ही फूल आया है, बहुत प्यारा कलर है, देखिए बीचों बीच बिल्कुल पिंक सा कलर है इसमें। आप दोस्तों इस तरह के हार्डी प्लांट जो परमानेंट प्लांट है वो तो आपको ज़रूर रखने चाहिए अपने गार्डन में। ये है टिकोमा, देखिए टिकोमा में हर टाइम मुझे फूल ही फूल मिलते ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट भी। और ये मेरा कनेर का प्लांट है, तो कल शाम बारिश आने की वजह से बहुत सारे फूल झड़ गए हैं, इसे ओलियंडर भी कहते हैं हम। और देखिए ये है गलाडिया, गलाडिया में भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। तो ये जो गलाडिया का प्लांट है ये बहुत कम से कम 4 महीने हो गए हैं इन प्लांट्स को मेरे यहाँ पर, बहुत प्यारे फूल आते हैं इनको, इनमें धूप इनको बहुत ज़रूरी होती है। इनका कलर देखिए, मुझे तो इनका कलर सच में, ये देखिए ज़रा मैंने फोकस किया है, धूप बहुत अभी तेज़ है यहाँ पर,
तो चलिए अब मैं आ जाती हूँ अपने हमेलिया पर। मेरे हमेलिया के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमेलिया का जो प्लांट है, ये हमेलिया का प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है जैसे बोगनविलिया होता है, ये प्लांट बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको अपने गार्डन में ये प्लांट आज ही लेकर आना चाहिए। ये पूरे 12 महीने फूल रहता है और इसके पत्ते देखिए, पत्ते भी कितने खूबसूरत हैं, कभी ये धूप में जलते भी नहीं हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल फायर बुश लगता है, इसे फायर बुश भी कहते हैं। और वैसे इसका जो नाम है वो हमेलिया है। ये ज़रूर ज़रूर दोस्तों आपको अपने प्लांट गमले सॉरी आपके गार्डन में आपको ज़रूर रखना चाहिए। और ये है रात की रानी। ये शाम को जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कोई परफ्यूम यहाँ पर चारों तरफ में छिड़क दिया है, इतनी ज़्यादा खुशबू आती है। तो चलते चलते आपको अपने ये चाइनीज़ बोगनविलिया से भी मिलवा देती हूँ। बहुत प्यारे फूल आ रहे हैं इनमें। ये फूल दोस्तों बहुत हार्डी होते हैं, जैसे दूसरे बोगनविलिया के फूल होते हैं ऐसे नहीं है। ये बहुत जल्दी हमारे प्लांट से झड़ते नहीं हैं क्योंकि ये पत्तों के पीछे पीछे छुपे होते हैं। तो कलर इनका बहुत अच्छा लगता है, पत्तों का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। ये जो चाइनीज़ बोगनविलिया है ये भी आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने गार्डन में। तो बस दोस्तों, इसी तरह के फूल आ रहे हैं और गार्डन इसी तरह से है अभी जो मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।